मेरा भी वही हाल है जो तेरा हाल है जाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मेरा भी वही हाल है जो तेरा हाल है जाना। मतलब ये गाना लोगों की जुबा पे छा गया है, ये दिल मेरा माने ना। इस गाने ने एक रिकॉर्ड बना दिया है और इस गाने ने हिमेश रेशमिया मेलोडीज में एक नई जान फूंक दी है। तो क्या है ये सब बातें, ये सब जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो आइए हुजूर, चाहते हैं हम आप पे अपने इस वीडियो का सुरूर। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि सवाई भट्ट ने जो गाना गाया है माने कि ये दिल मेरा माने ना, इस गाने ने आते ही हिमेश रेशमिया मेलोडीज को एक नया बूस्ट दे दिया है। जैसे कहते नहीं है कि जब टीम मझधार में कोई फंसती क्रिकेट टीम आके, तो एक बैट्समैन आके आता है, सिक्स मारता है उठा के और ऐसी बैटिंग करता है कि अपनी टीम को मुसीबत से निकाल लेता है। यही हाल हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ का हुआ है। बीच में देखिए व्यूज डाउन होने लगे थे, बट हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ ने एक बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि सवाई भट्ट को हमेशा हिमेश जी लेके आते हैं, उनके ट्रम्प कार्ड हैं सवाई भट्ट, और सवाई भट्ट जब भी आते हैं अपना जादू चला देते हैं, और इस बार भी उनका जादू लोगों पे चल गया है। ये गाना आते ही लोगों के दिलो दिमाग पे छा गया, और ये गाना अभी आप देख सकते हैं 26 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, और इसमें पलक मुछाल मैम ने बहुत अच्छा गाया। माने कि सवाई भट्ट की गायकी ने लोगों का दिल जीत लिया, बंदे ने दिल से गाया है, लोगों के दिल तक ये गाना गया है। और मैं दिल से बता रहा हूँ कि सवाई भट्ट यार ऐसा गा रहे हैं जैसे लगता है कोई बहुत बड़े बॉलीवुड के मंझे हुए सिंगर हैं। और पलक मुछाल मैम तो ऑलवेज मेरी फेवरेट रही हैं, दोनों के कॉम्बो ने लोगों को हिला दिया है। जो फीलिंग, जो गायकी इसमें निकल के आई है ना, लोगों के सर चढ़ के इसका जादू बोल रहा है। तो थैंक यू सो मच इस गाने को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए। दो दिन में देखिए गाने के 33 लाख प्लस व्यूज़ हो चुके हैं, 121,000 प्लस इसके लाइक्स हैं, और बहुत ज़्यादा शेयर्स हो चुके हैं। और आप देखिए इसमें हिमेश में मेलोडीज चैनल को बूस्ट दिया है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी हिमेश में मेलोडीज़ को मिल गए हैं। तो अभी देखिए 3.9 मिलियन हिमेश में मेलोडीज़ के सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ आप लोग जाके उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से पूरी कराएं, और हिमेश जी जो मेहनत कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। और सवाई भट्ट थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। आप जिस तरीके से गा रहे हैं यार, आप बहुत बड़े सिंगर हैं फ्यूचर के, मुझे पता है। और पलक मुछाल मैम आपने तो मेरा दिल जीत लिया, मैं ये गाना रिपीट मोड में सुन रहा हूँ, आप लोग भी जाके इस गाने को ज़रूर सुने। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग कह रहे गाना बहुत छोटा है, 2 मिनट 47 सेकंड का, और बड़ा होना चाहिए था। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि हिमेश जी ने उनको निराश नहीं किया, इसका पूरा गाना आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं जाके स्पोटीफाई म्यूज़िक पे, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। 4 मिनट 57 सेकंड का, इसके दोनों अंतरे जरूर सुनिएगा, आपके दिल को छू जाएंगे। माने कि ये गाना रियल में बहुत 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 अच्छा है, आप खो जाएंगे अपनी पुराने किसी सच्चे दोस्त या BFGF की यादों में। तो ऊपर लिंक मैंने दे रखा है, इसका लॉन्ग रिव्यू मैंने दिया है, उसको जाके ज़रूर देखें, उसको सपोर्ट करें। और थैंक यू सो मच आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। माने कि हिमेश में मेलोडीज़ के जो भी गाने आते हैं, मैं आपको बता दूं आपका चैनल संदीप मौर्य नंबर वन है हिमेश में मेलोडीज़ में। थैंक यू सो मच हम पे इतना भरोसा करने के लिए। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं हिमेश जी के अलावा भी अब और भी सॉन्ग का रिव्यू करना स्टार्ट मैंने कर दिया है। तो मेरे भाई निराश मत कीजिएगा, मेरे चैनल को उसमें भी सपोर्ट कीजिए, वो भी अच्छे अच्छे गाने हैं, मैं सबका यहाँ पे आपको जेन्युइन रिव्यू देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे भाई उसमें भी सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मैं ब्लॉग कैटेगरी स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आपको क्या लगता है मैं ब्लॉग यहीं पे अपलोड करूं या उसके लिए कोई दूसरा चैनल बनाऊं? जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कि मुझे टेक्निकल चैनल अलग बनाना चाहिए, तो कई लोगों ने बोला यहीं, लेकिन मुझे लगा अलग, तो मैंने नया टेक्निकल चैनल बना दिया जिसका नाम है हिमेश टेक। बहुत जल्द वो लॉन्च हो रहा है, प्लीज़ भाई लोग उसको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को अपने ट्रिक्स और जो भी ट्यूटोरियल्स हैं वो बताऊंगा कि कैसे YouTube पे सक्सेस हुआ जाए। 2 सक्सेसफुल चैनल मैं चला रहा हूं आप लोगों की वजह से। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं कि सवाई भट्ट का ये गाना आपको कैसा लगा। और हाँ, मैं आपसे एक चीज़ और चाहता हूं कि आप इन फ्यूचर, आपने सवाई भट्ट को पलक मुछाल जी के साथ तो देख लिया, अभी आप सवाई भट्ट को किसके साथ ड्यूट गाना देखना चाहते हैं या हिमेश में मेलोडीज़ पे, और किस सिंगर को गाते हुए देखना चाहते हैं, ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, आपका भाई हमेशा आपके साथ है। जी हुजूर, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, क्या चढ़ा पे मेरे इस वीडियो का सुरूर? अगर चढ़ा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी Himesh4Time07। और भाई आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार चैनल की एल्गो लग चुकी है, बीच में मैं थोड़ा एब्सेंट था, मैं रेगुलर हो गया हूँ, तो भाई वीडियो को शेयर करें और फिर से अपने भाई को उस लेवल पे लेके आएं जैसे आप लोग पहले 3-3 लाख व्यूज़ करा रहे थे मेरे रिव्यू के। भाई प्लीज़ फिर से सपोर्ट कर दीजिएगा। जय माता दी, जय किसान, लव यू ऑल।